नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं वी गार्ड RS2SC2100 रूम हीटर को यूज करने के तरीके के बारे में। दोस्तों, ये वी गार्ड का RS2SC2100 रूम हीटर 2000 वॉट पावर कंजम्पशन के साथ आता है। इसको हमने पिछले वीडियो में अनबॉक्स करके दिखाया था और इसका रिव्यू भी किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से इस रूम हीटर को यूज किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए इस रूम हीटर को, सावधानी के साथ कि हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचे और हमें ठंड में बेहतर गर्मी मिलती रहे। दोस्तों, इसके लिए हमने इसको पहले से अनबॉक्स करके यहाँ रखा हुआ है और अब मैं आपको बताऊं कि कैसे इसको यूज करना होता है। तो देखें, आप चलेगा इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से चलना है तो ये सॉकेट इसने दिया है, ये 16 एम्पियर का सॉकेट है तो 16 एम्पियर सॉकेट में लगेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 6 एम्पियर का सॉकेट है, उसमें ये नहीं लगेगा। इसके लिए हमें एक ऐसा प्लग चाहिए, ऐसा सॉकेट चाहिए जो 16 एम्पियर का हो, उसमें ये लग जाएगा और उसको फिर कनेक्ट वहां करना होगा 6 एम्पियर के सॉकेट में। तो हमने एक ये बोर्ड लिया हुआ है, SS कंबाइंड ऐसे बोलते हैं, स्विच सॉकेट कंबाइंड। इसमें 16 एम्पियर का सॉकेट है, 16 एम्पियर का स्विच है और इधर हमने एक 6 एम्पियर का टॉप लगाया हुआ है। इस 6 एम्पियर टॉप को हम इधर लगा देते हैं, ये देखिए आप, ये 6 एम्पियर का सॉकेट में लग गया 6 एम्पियर टॉप। फिर ये जो 16 एम्पियर का टॉप है रूम हीटर का, इसको हमें लगाना होगा इस 16 एम्पियर के सॉकेट में। ये हमने लगा लिया 16 एम्पियर का सॉकेट। अब दो तीन तरह से चालू होगा। देखिए आप, यहां से हमने ऑन किया, उसके बाद यहां से ऑन किया और यहां देखें तो अभी भी लाइट ऑन नहीं हुई है, इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ है क्योंकि ये यहां से ऑफ पर है। अभी हमें यहां से ऑन करना होगा, मैं दिखाता हूं कैसे। वहां से ऑन कर लिया, यहां से ऑन कर लिया, अब ये देखें आप, ये यहां से ऑफ है, इसको ऑन करना है। लेकिन सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना है वो है कि इसको स्टैंड पर रख लें। देखें आप, ये इस तरह से स्टैंड इसका बाहर निकाल लें, स्टैंड पर इसको रख लें तो सुरक्षित हो जाता है मामला, क्योंकि यहां पर हमारे पास प्लास्टिक की टेबल है, ज्यादा गर्मी होने पर आग पकड़ सकती है। ऐसी जगह पर तो आपको रखना ही नहीं है, यहां हमने सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। आपको प्लास्टिक की टेबल पर या पेपर, कपड़े आदि ऐसी चीजों पर नहीं रखना है इस रूम हीटर को। फिर देखिए आप, तो यहां से ये जो ऑफ है, ये पावर नॉब है और ये थर्मोस्टेट नॉब है, ये स्पीड कंट्रोल के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए और ये सेटिंग कंट्रोल के लिए। इस ऑफ को हम घुमाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, घड़ी की दिशा में। ये देखें आप, तो ये नाइट इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर लैंप जल उठा है और देखें आपको आवाज आ रही होगी, पंखा इसका चालू हो गया है, यानी कि हवा देने लगा है। लेकिन ये फैन सिर्फ ऑन हुआ है, इसका हीटिंग एलिमेंट ऑन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पंखे पर है। इसके बाद हमें इसको चेंज करना होगा मोड, एक बार और घुमाना होगा। घुमा दिया तो पंखा तो पहले से चल रहा था, अब यह 1000 वॉट की सेटिंग पर पहुंच गया है, वार्म वाली सेटिंग पर पहुंच गया है और गर्म हवा देने लगा है, वार्म एयर हमें मिल रही है। ये 1000 वॉट की सेटिंग है, इसे और बढ़ाना है तो 2000 वॉट की सेटिंग पर लाने के लिए इसको यहां ले आना होगा। ये देखें कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, आवाज कम हो गई, पंखे की आवाज कम हो गई और हीटिंग एलिमेंट ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ये रूम हीटर अपना काम करता है और देखें आपको आवाज आ रही होगी, आवाज कम है लेकिन हीटिंग एलिमेंट अपना काम तेजी से कर रहा है, काफी तेजी से हमें गर्म हवा मिल रही है। देखें आप, ये बत्ती चलती रहेगी और यहां देखें तो ये 2000 वॉट की सेटिंग पर है, यहां हमने ये फुल कर रखा है। आप चाहे तो इसको कम ज्यादा जैसा करना चाहे कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड टेम्परेचर के हिसाब से। आप स्पीड कम कर देंगे टेम्परेचर कंट्रोल नॉब से तो टेम्परेचर
आपका लो हो जाएगा, आप बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और जब इसको डिजायर टेम्परेचर पे आपने कर दिया, उसके बाद एक समय तक चलेगा, फिर ऑटोमेटिकली ये ओवरहीटिंग के केस में शट ऑफ हो जाएगा और फिर से खुद की मर्जी से ऑन हो जाएगा। इस तरह से ये अपना काम करता है। आप अपना काम इसको सही तरीके से करें, स्टैंड पर रख के और जलने जैसी चीजों से दूर रखें, कपड़ा या कागज इन चीजों से थोड़ा दूर रखें, प्लास्टिक से दूर रखें, हमने रखा हुआ है लेकिन आप नहीं रखें। थोड़ी दूरी तो गर्मी से बनाकर रखनी पड़ेगी इन चीजों को। और आप भी बच्चों को इससे दूर रखें, आप भी एकदम करीब नहीं रहें, थोड़ी दूरी पर रखें। गर्म चीजों से तो दूरी बनानी चाहिए, जब बीवी का दिमाग गर्म होता है तो आप दूरी बनाते हैं कि नहीं, वैसे इसमें भी दूरी आपको बना के रखनी है। और ध्यान रखना है साफ सफाई के टाइम इसको बंद रखना है, कहीं ले जाना है, शिफ्ट करना है दूसरी जगह पर तो इसको बंद रखना है। कोई भी काम आप इसके साथ में चालू कंडीशन में नहीं करें, ये सब काम आप इसको बंद करके ही करें तभी ठीक रहेगा, अदरवाइज आप अपना कुछ नुकसान कर बैठेंगे। और काफी अच्छा है, एक साल की वारंटी के साथ हमें मिलता है, ऑन साइट वारंटी उसमें एक साल की होती है। प्राइस भी इसका अच्छा है, 25-27 रुपए की अच्छी प्राइस रेंज में मिल जाता है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं, आपको अच्छा प्राइस वहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे और भी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।